देश में चुनावी सीजन चल रहा है। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में पूरे देश में सियासी पारा एकदम आसमान छू रहा है। 5 राज्य पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं और रैलियों के साथ साथ जनता को लुभाने के लिए वादों की छड़ी लगाई जा रही है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं और सिर्फ जनता को ये बताने की कोशिश में है कि उनकी पार्टी दूसरे से कैसे बेहतर है, लेकिन अंतिम फैसला जनता के हाथ में है। जनता ही डिसाइड करेगी कि कुर्सी पर कौन बैठेगा। और इन सब राज्यों में से सबसे अहम चुनाव है उत्तर प्रदेश का। सभी की निगाहें इसी राज्य पर हैं। अलग अलग दल सूबे में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी ये जनता बताएगी। इसी के मद्देनजर चुनाव से पहले एबीपी सी वोटर आईएनएस ने उत्तर प्रदेश की जनता का चुनावी मूड जानने के लिए सर्वे किया और इस सर्वे में साफ पता चलता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से यूपी में वापसी कर सकते हैं, बीजेपी सत्ता में वापसी कर सकती है। हालांकि 2017 के मुकाबले सीटें जरूर कम होती दिख रही हैं, लेकिन सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी बहुमत से 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी कर सकती है। और अगर मुख्यमंत्री की पसंद की बात करें तो 41% जनता को योगी आदित्यनाथ पसंद है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है अखिलेश यादव 32% से, मायावती 16%, प्रियंका गांधी को मात्र 5% वोट मिले हैं, जयंत चौधरी को 2% और अन्य को 4%। हालांकि उत्तर प्रदेश में 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा से विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ बीजेपी की चुनावी संभावना को नुकसान पहुंच सकता है। इस सर्वे के मुताबिक 62% मतदाताओं को लगता है कि इस मुद्दे से विधानसभा चुनाव में भगवा पार्टी को नुकसान होगा, जबकि सिर्फ 21.5% को लगता है कि इससे बीजेपी को मदद मिलेगी। कुल 16% लोगों का मानना है कि इसका चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सर्वेक्षण में ये भी कहा गया है कि हाल ही में यूपी में 9 मेडिकल कॉलेजों के उद्घाटन से योगी सरकार को फायदा होगा, क्योंकि 58% से ज्यादा मतदाताओं ने इसकी सहमति व्यक्त की है। वहीं इसी सर्वेक्षण के अनुसार 56% से अधिक लोग राज्य में रिकॉर्ड कोविड टीकाकरण से प्रभावित नहीं है, जबकि 44% का मानना है कि इसका मतदाताओं पर प्रभाव पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रियंका गांधी की सक्रिय भूमिका से क्या कांग्रेस को फायदा होगा, इस पर पोल ने संकेत दिया है कि 52.8% मतदाताओं को लगता है कि कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। सर्वेक्षण राज्य के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में किया गया था, जिनमें से प्रत्येक में नमूना आकार 3571 था। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से हाल बेहाल हो रहा है। दिल्ली एनसीआर की हवा और जहरीली होती जा रही है। ऐसे में इस गंभीर समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नाराजगी जाहिर की है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा है कि वायु प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर में गंभीर स्थिति पैदा हो गई है, हमें घर पर ही मास्क पहनना पड़ेगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाने पर भी विचार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है, तुरंत ही इसे लेकर इमरजेंसी डिसीजन होना चाहिए। यह आपातकालीन स्थिति है और हमें बताएं कि इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीति और सरकार से इतर केंद्र सरकार को सोचने की जरूरत है। कुछ ऐसा होना चाहिए कि 2-3 दिन में राहत महसूस हो। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, सिर्फ पराली जलाने वाले किसानों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। 70% प्रदूषण की वजह धूल, पटाखे, गाड़ियां आदि हैं, उस पर लगाम लगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि पराली के अलावा 70-80% प्रदूषण के लिए क्या किया जा रहा है, हमें बताइए कि 500 पार पहुंचा AQI कैसे कम होगा। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्य बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में बताएंगे। राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह वायु गुणवत्ता गंभीर की श्रेणी में रही और इस दौरान AQI 499 रहा। अधिकारियों ने लोगों को घरों से बाहर जाने से बचने की सलाह दी है।
आपको बता दें कि 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा माना जाता है, 51 से 100 के बीच में संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 तक खराब, 301 से 400 के बीच में बेहद खराब तथा 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता इतनी ज़्यादा खराब हो गई है और अब बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं। दिल्ली में 3 चीज़ें चल रही हैं, एक तो बच्चों का स्कूल खुल गया है, कोविड महामारी है और डेंगू की भी समस्या चल रही है। ऐसे में लोगों के लिए, खासकर की बच्चों के लिए और जिन लोगों को सांस की बीमारी है उनके लिए ये वायु प्रदूषण बेहद हानिकारक साबित हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को बनारस के दौरे पर रहे। अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन को संबोधित भी किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मुझे खुशी है कि ये नई शुरुआत उस वर्ष में होने जा रही है जो हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव है। कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर पहली बार राजभाषा का सम्मेलन राजधानी के बाहर लाने में हमें सफलता मिली, मगर 2 साल कोरोना काल रहा, हम नहीं कर पाए। परंतु आज मुझे आनंद है कि योगानुयोग ही है, ईश्वर कृपा ही है कि ये नई शुभ शुरुआत उस वर्ष में होने जा रही है जो हमारा आजादी का अमृत महोत्सव है। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि अमृत महोत्सव हमारे लिए आजादी दिलाने के लिए जो हमारे पुरखों ने यातनाएं सहन की, सर्वोच्च बलिदान दिए, जो संघर्ष करा, उसको स्मृति में फिर से जीवंत कर युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का तो मौका है ही है, परंतु आजादी का अमृत महोत्सव हमारे लिए संकल्प का भी वर्ष है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस नहीं लिखा होता तो रामायण विलुप्त हो जाती। शाह ने कहा कि वीर सावरकर नहीं होते तो आज हम अंग्रेजी ही पढ़ रहे होते। उन्होंने कहा कि सावरकर ने ही हिंदी शब्दकोश बनाया था, अंग्रेजी हम पर थोपी गई थी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मित्रों, तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस न लिखा होता तो शायद रामायण आज लुप्त हो गया होता। मानव जीवन को उन्नत बनाने की यह कथा कोई भी नकारात्मक पहलू रखे बगैर आदर्श पति कैसा हो सकता है तो रामायण में ढूंढ सकते हैं, आदर्श पिता कैसा हो सकता है रामायण में ढूंढ सकते हैं, आदर्श भाई कैसा हो सकता है रामायण में ढूंढ सकते हैं, आदर्श पत्नी कैसी होती है रामायण में ढूंढ सकते हैं, आदर्श शासन कैसा हो सकता है तो आज भी कहते हैं रामराज होना चाहिए, और आदर्श शत्रु कैसा होना चाहिए वो भी रावण के स्वरूप में हम रामायण में ही ढूंढ सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से पूर्वांचल सियासी कुरुक्षेत्र बन गया है। गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी के बाद आज सपा का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ में शिलान्यास करने पहुंचे। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा का तीसरा चरण पूर्वांचल में आयोजित किया गया। अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर से रथ यात्रा निकाली। अखिलेश यादव ने 12 अक्टूबर को रथ यात्रा कानपुर से शुरू की थी और बुंदेलखंड का दौरा किया था। इस बीच अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी में भी अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी 2022 में सत्ता दोहराने के लिए पूर्वांचल पर पूरा जोर लगा रही है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी भी पूर्वांचल के कई दौरे कर चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ताबड़तोड़ पूर्वांचल के जिलों में ही दौरे और कार्यक्रम किए हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह भी बाबा विश्वनाथ की नगरी में सत्ता में वापसी को लेकर चुनावी मंथन में जुटे हुए हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।